और भैया कैसे हो? नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ नहार और मैं हूँ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी से। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त आदित्य नाजा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 3.1 प्लस के बारे में। हाँ, बस खत्म हो गया भाई। तो दोस्तों, नोकिया 3.1 प्लस जो है ये 6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन है और फिंगरप्रिंट सेंसर है। यह फोन 3500mAh की बैटरी के साथ आता है। बैक पे जो बिल्ड है वो रबराइज मैट फिनिश वाली है तो अच्छी लगती है छूने में काफी, और टॉप पे 3.5mm जैक है और माइक्रोफोन होल है। कैमरा सेंसर को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल हल्का सा उठा हुआ है और पीछे नोकिया की ब्रांडिंग और एंड्रॉइड वन वाला लोगो है। बॉटम पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिम ट्रे स्लॉट मिलती है, इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, और राइट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है। ओवरऑल बिल्ड एंड फील जो है डिवाइस की हाथ में वो काफी जबरदस्त है। आइए अब स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यह मीडियाटेक के हीलियो P22 चिपसेट के साथ आता है, जो कि ठीक ठाक चिपसेट है, उतना हाई परफॉर्मिंग चिपसेट नहीं है। अंदर जो है 32GB की इंटरनल स्टोरेज है, 3GB रैम है, आपको उसमें से अराउंड 22GB स्टोरेज फ्री मिलती है अपने लिए, और USB OTG इस फोन में सपोर्टेड है। इस फोन में जो 3500mAh की बैटरी है वो काफी टाइम तक टिकती है, और इसके अलावा इसके अंदर जो सेंसर्स प्रोवाइडेड है वो सारे ही सारे सेंसर्स प्रोवाइडेड है, तो उस मामले में उन्होंने कमी नहीं करी। और जहाँ पे आपको कमी दिखेगी वो है परफॉर्मेंस। Antutu बेंचमार्क पे इस फोन का स्कोर 70,000 के आसपास था, जो कि 77,000 जो स्कोर है वो एक औसत के ऊपर स्कोर है थोड़ा, पर उतना बेहतरीन स्कोर नहीं है आज की डेट के हिसाब से। आप इसका 3D Mark बेंचमार्क वगैरह का भी स्कोर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट ट्रिबल इस फोन पे पूरी तरीके से सपोर्टेड है, यानी कि अपडेट्स एकदम तेजी से फास्टली मिल जाएंगे। एंड्रॉइड वन बेस्ड फोन है तो ये तो आपको उम्मीद रहेगी ही रहेगी। पबजी वगैरह इस फोन पे चल रही थी पर मीडियम सेटिंग्स पे चल रही थी, कहीं कहीं पे हल्का हल्का ऐसे आप देख सकते हैं लैग जैसा महसूस होता है, पर ओवरऑल आप इस गेम को खेल सकते हैं इस फोन पे मीडियम सेटिंग्स पे, और गेमिंग परफॉर्मेंस उतना बेकार नहीं है। हीलियो P22 एक ठीक ठाक चिपसेट है इस मामले में। ज्यादा देर गेम खेलने के बाद हीटिंग का इश्यू भी आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो चिपसेट है वो 12 नैनोमीटर प्रोसेस का, और जितने कम नैनोमीटर प्रोसेस का चिपसेट होता है वो उतना ही एफिशिएंट होता है और उसमें हीटिंग उतनी कम होती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर जो जा रहा था वो 36-40 तक जा रहा था, अगर आप बहुत ज्यादा देर तक भी गेम खेलेंगे तो 40 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो नोकिया के जितने भी फोन होते वो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम का पार्ट होते, तो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम का पार्ट होने की वजह से उनमें बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है। इसमें भी स्टॉक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है और इन फोन्स को बहुत ही जल्दी अपडेट्स मिल जाते हैं। अभी ये एंड्रॉइड ओरियो के साथ था पर इसको जल्दी एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल जाएगा, और वो अपडेट मिलते ही शायद से ये फोन और बेहतरीन हो जाएगा। अभी के लिए कैमरा की अगर बात की जाए तो पीछे जो है 13+5 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन है और आगे 8 मेगापिक्सल कैमरा का कॉम्बिनेशन है, जो कि एक औसत कॉम्बिनेशन है एट बेस्ट। जो सेंसर्स हैं वो भी काफ़ी अजीब से ही हैं, और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ओवरऑल जो मोड्स इन्होंने दिए हैं वो ठीक ठाक हैं, पर जो कैमरा में क्वालिटी है शार्पनेस में मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा ओवर शार्पनिंग चल रही है एल्गोरिथम में, और जो फ्रंट कैमरा वगैरह था उनकी भी क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी, उनमें एक्सपोजर कंट्रोल वगैरह एकदम ही आउट ऑफ प्लेस लगा। बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही 1080p वीडियो तक शूट कर सकते हैं, और इनकी 1080p वीडियो क्वालिटी जो थी वो ठीक ठाक ही थी, पर स्टेबलाइजेशन उतनी खास नहीं लगी। और फ्रंट कैमरा का तो जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा जूम है, मैंने अपना हाथ एकदम जब दूर कर रखा था तो भी ऐसा लग रहा था कि एकदम कैमरा मुंह से चिपका रखा है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो फ्रंट कैमरा बिल्कुल ही बेकार है इस मामले में। साउंड टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें ओवरऑल मैक्सिमम साउंड हमको मिला था 106 डेसिबल के अराउंड। साउंड में बेस बिल्कुल भी नहीं था, पर आपको शोर भरे इलाके में भी यह फोन सुनाई दे जाएगा। ध्यान से देखा जाए तो नोकिया को अभी इस फोन को लॉन्च करने की जरूरत भी नहीं थी, और इसका प्राइस जो होने वाला है वो मार्केट में 11,499 रुपए पे होगा, और 19 अक्टूबर 2018 से यह फोन उपलब्ध होगा। एयरटेल 4G का 1 TB वाला ऑफर इस फोन के साथ उपलब्ध होगा, तो जो लोग बाय करेंगे उनको ये ऑफर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नोकिया 3.1 प्लस खरीदना ही खरीदना है तो अपने आप को ऐसा मत लगने दीजिए। इसके पीछे मेन कारण यही है कि यार ये एक मतलब जैसे एक प्राइस सेगमेंट होता है ना, उसको पूरी भसड़ मचा देते हैं। शाओमी वाला हाल कर दिया है नोकिया ने आज की डेट में कि यार एक मतलब 20,000 से नीचे हम 3-3, 4-4, 5-5 फोन निकाल देंगे, और मुझे नोकिया 3.1 प्लस में उतनी वैल्यू नहीं दिखाई देती है। अगर आप जैसे नोकिया का जो नया वो 5.1 वाला फोन था वही देखें, वो मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला फोन लगता है नोकिया 3.1 प्लस के मुकाबले। तो मतलब ये पता नहीं क्या एक कोई स्ट्रेटेजी है कि सस्ते फोन खूब सारे निकाल दें भले ही वो उतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ना भी हो तो भी। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड सा नज़र आ रहा है, शाओमी ने भी ऐसे ही ट्रेंड कर रखा है। मतलब अगर 10,000 से नीचे देखेंगे तो शाओमी ने इतने सारे फ़ोन निकाल रखे हैं, वही वाला हाल नोकिया जो यानी HMD ग्लोबल वही वाला हाल फॉलो कर रही है। ये लोग सिर्फ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, ऐसा ना करें।
एक या दो या तीन फोन निकाले ज्यादा से ज्यादा अलग अलग प्राइस सेगमेंट में और उनकी क्वालिटी और वैल्यू पे फोकस करें, मेरा ये मानना है। अगर कंपनियां ऐसा करेंगी तो कंज्यूमर्स को भी अच्छे फोन मिलेंगे। जहां तक कि मैं अगर रिकमेंड करूंगा नोकिया 3.1 प्लस को तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे करके अलग अलग और बढ़िया फोन ले सकते हैं, और जो भी प्राइस सेगमेंट में कुछ कुछ और बढ़िया बढ़िया फोन है, यहाँ तक कि नोकिया के खुद के ऐसे फोन हैं, यही जैसे 5.1 प्लस हो गया, और अगर जैसे आपका बजट 10 से कम है तो रियलमी 2 भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इतने सारे ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं और उसमें भी ये लोग ऐसा प्रोडक्ट निकालते हैं जो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कंप्लीट नहीं है। तो ये एक शायद से कंज्यूमर्स के साथ मजाक करना हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए। चैनल का नाम बोल नहीं, पर वीडियो में करने क्या वाले? कुछ नहीं करने वाले, बस ये इंट्रोडक्शन है, बताने वाले कि कौन सा फोन है आज। अच्छा, टेक्निकल गुरु जी।